आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तफसीर उल बयान में मौजूद है, कहती है एक दिन हुजूर अचानक मेरे साथ आराम फरमाते बिस्तर से उठे निकल गए। हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो कहते अबू बकर की बेटी हक तेरा है, वक्त तेरा है, पर अगर तू इजाजत दे तो मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं। आज हुजूर ने पूछा ही नहीं, बिस्तर से उठे चले गए। कहती मैं उठी, मैंने दाएं बाएं देखा, महबूब नजर ना आए। हुजूर की तामद इस्तेमाल शुदा पड़ी थी, वो तामद मैंने उठा के ओढ़ ली और मैं निकल गई हुजूर को तलाश करने। कहती है जब मैं बाहर गई मस्जिद नबी शरीफ के साथ जन्नतुल बकी की जानिब, नबी पाक सजदे में थे। कहती है मैं गई, थोड़ी देर खड़ी हुई, हुजूर ने आहट सुनी तो पूछा तू कौन है? मैंने कहा मैं आयशा हूँ। तो महबूब ने फरमाया ये आयशा कौन है? मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी जौजा। फरमाया जौजा क्या होती है? या रसूलल्लाह मैं अबू बकर की बेटी। तो नबी पाक ने फरमाया ये अबू बकर कौन है? हजरत आयशा कहती है मेरा कलेजा फटने को आया, मैं वहां से परेशान हाल वापस आई। जब मैं गई थी तब भी हल्की हल्की बारिश थी, वापस लौटी तो फिर भी हल्के हल्के कतरे बारिश के गिर रहे थे। मैं आके हांफती कांपती बैठ गई, थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो आयशा क्या हुआ? कहा हुजूर आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई। हुजूर अजीब बात है, मैं गई हूँ आपने पूछा कौन है? तो मैंने कहा मैं आयशा। का आयशा कौन? आपकी जौजा। फरमाया जौजा कौन? अबू बकर की बेटी। का अबू बकर कौन? और फिर हुजूर मैं गई हूँ तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए तो कपड़े खुश गए, समझ नहीं आई। पर हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना तो बारिश को देखा उमर को मुसलमान कहते हजरत उमर सवेरे आनवर जब आए ना, उन्होंने आके जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाह हु अकबर, तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर। तो उमर ने पहले दिन ही कहा कि हुजूर आप सच्चे रसूल हैं तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़े? शुरू हो गए नारे, हुजूर आप सच्चे हैं तो छुप छुप के नमाज का क्या माना हो? तो हुजूर ने फरमाया तेरा क्या इरादा? सारे नहीं, एक मैं एक अमीर हूँ, एक लाइन के आगे वो लग जाए, एक के आगे मैं लग जाए, और बाकी मुसलमान जितने हैं कुल 40 थे, पीछे 18 19 बचे थे, एक लाइन में वो हो जाए, एक में आगे, एक में अमीर हमजा, एक में मैं हूँ, तो देख लेते हैं कि हमें नमाज कैसे नहीं पढ़ने देते। हाँ हाँ देख लेते हैं। कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते, क्यों नहीं देते? बुजदिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर? सिसकती बिलकती मखलूक पर तो कहाँ है अक़वामे मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहाँ है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूम पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूम की बात करते हैं वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के अस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से रमजान रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं वो कौन है? वो जहां जनाजे पड़ने को कफन मुयस्सर नहीं वो कौन है?